जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे डे 26 का पार्ट एक सीखेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो को डे 1 से लेके डे 25 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी लाइन टू लाइन वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। और अपना टॉपिक चल रहा है, अध्याय 4 चल रहा है, प्रश्न नंबर 4.2 है, चैप्टर नाम क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखो द्विघात जो समीकरण है डियर स्टूडेंट, मैं टाइप तो सही करता हूँ पर जो विंडो में आ जाता है ना द्विघात, इस तरीके से लिखा हो जाता है, ये दुई को काट दो, दुई कैसा होता है, ऐसा होता है, द्विघात पूरा द्विघात काट देता हूँ तो द्विघात ऐसा लिखा होता है। चैप्टर नाम क्या है, द्विघात समीकरण। यहां भी वही द्विघात है, सेम टू सेम, टाइप तो मैं सही करता हूं, विंडो में ऐसा आ जाता है द्विघात। अब देखो चैप्टर का क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, प्रश्न फर्स्ट का फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे तीन, आज की वीडियो दो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके गुणनखंड विधि करना है, इनके मूल ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से वीडियो पर आप बने रहना। देखिए दो क्वेश्चन पढ़ेंगे आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। तो पीछे लिख देता हूं मैं प्रश्न फर्स्ट का फिफ्थ वाला दिया है, कॉमा लगाओगे आप, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। गुणनखंड विधि में करते क्या है डियर स्टूडेंट, जो बीच की संख्या होती है ना, अपन को जो बीच की संख्या दिखाई दे रही माइनस का 20, तो अपन को ऐसी दो संख्या लाना होता है जिससे माइनस का क्या बन जाता है, 20 बन जाता है, उसी को कहा जाता है गुणनखंड विधि। अब कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से आप ध्यान से देखना। अब देखो गुणनखंड विधि में करते क्या है, सबसे पहले आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आगे का इंटू पीछे करते हैं। तो 100 का इंटू प्लस 1 में करेंगे, इंटू 1 में प्लस तो प्लस ही होता है, तो 100 का इंटू प्लस 1 में करेंगे, तो 100 का इंटू प्लस 1 में करते हैं, कितना आता है, प्लस का 100 आता है। ये किसमें आता है, इंटू करने पर आता है। गुणनखंड विधि के मैं आपको फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ क्वेश्चन में से कर सकाऊँ। अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, 100 का इंटू प्लस 1 में करते हैं, 100 इंटू प्लस 1 कितना होता है, प्लस का 100, किसमें चाहिए होता है, इंटू अंडे पे। फिर देखते हैं बीच में संख्या, तो बीच में संख्या कौन दिखाई दे रहा है, माइनस का 20, बीच में आपको कौन दिखाई दे रहा है, माइनस का 20, तो मैंने कौन लिख दिया, बीच में माइनस का 20। अब आपको करना क्या होता है, ऐसी दो संख्या चाहिए होती है कि इंटू करने पे प्लस का 100 आए और माइनस करने पे 20 आए। क्या चाहिए आपको, इंटू करने पे 100 आए और माइनस करने पे 20 आए। अब मैंने आपको ये सिखाया था, दो संख्या हम ऐसे पता करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसके हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। बड़ी संख्या कौन है, 100 है, 100 के आप कर लो अभाज्य गुणनखंड। देखो सबसे पहले पता आपको दो से काटते हैं हमेशा, देखो ये 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, पर आपको हमेशा अभाज्य गुणनखंड में किससे काटते हैं, हमेशा छोटी संख्या से काटा जाता है। दो से काटो, 2 5 10, 0 का 0, 2 2 4, 1 बचा 1 और 0 10, 2 5 10, 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 1 5। तो अपने पास कौन कौन संख्या आई, 2 2 और 5 5। अब इन्हीं संख्या से अपन को ऐसी संख्या लाना है कि इंटू करने प्लस का 100 आ जाए और माइनस करने 20 आ जाए। अब मन में 2 मिनट थोड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनके बीच कुछ ना इंटू लगाते हो आप, 100 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हो, तो 2 2 5 5 कैसे लिखते हो आप, 2 × 2 × 5 × 5 ऐसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते होगे। तो अपन को करना क्या है डियर स्टूडेंट, बीच में कुछ ना क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है सर। तो इन्हीं चारों संख्या से कैसे भी करके हमारे इंटू करने पर 100 आए, माइनस करने 20 आए। अब मुझे एक बात बताओ, 100 2 के पारे में तो आता है, कितनी बार में आता है, 50 बार में आता है, तो 2 और 50 को प्लस करो या माइनस करो, कभी 20 हो सकता है क्या, नहीं। 2 और 50 को प्लस करेंगे तो 52 आएगा, माइनस करेंगे तो 48 आएगा। अब 100 किसके पारे में आता है, 5 के में आता है सर,
पांच की पार्ट है सौ कितनी बार में आता है, 20 बार। 5 × 100, 5 × 20 100 तो हो गया। अब 5 और 20 को प्लस करो या माइनस करो, 20 सकता है क्या? नहीं। तो 5 प्लस 20 कितना होता है 25, और 5 माने 20 कितना होता है 15। हमें चाहिए था 20, हमारा 20 आया क्या? नहीं आया। अब 100 किसके बारे में आता है? सर 10 के बारे में 100 आता है। सर 10 × 10 100 हो जाता है, और 10 + 10 हमारा क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। तो हमें दो संख्या मिल गई सर, इंटू वन में प्लस का 100 चाहिए, माइनस का 20 चाहिए। 10 और 10 कौन लिखेंगे हम? 10 और 10, 10 और 10, 10 ऊपर 10 नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे, एक बार कौन करना है? इंटू। अब आपको ये पहचानना है कि सर मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको माइनस करने 20 लाना है, इंटू वन में 100 लाना है। तो आपका टास्क ये होगा कि माइनस करने 20 कैसे ला पाओगे? आप माइनस करने 20 कैसे ला पाओगे? सर माइनस 20 करने पर ऐसे ला पाएंगे कि हम दोनों चिन्हों को माइनस करना पड़ेगा सर, हमें दोनों चिन्हों को माइनस करना पड़ेगा। सर हम दोनों चिन्हों को माइनस क्यों कर रहे हैं? हमें कैसे भी करके इंटू करने प्लस का 100 लाना, माइनस करने 20 लाना है। सर वो कैसे लाएंगे? हम चेक करते हैं कि हमारा इंटू करने प्लस का 100 आता है कि नहीं आता, और माइनस करने 20 हमारा आता है कि नहीं आता। हम चेक करते हैं, इंटू करने माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 10 × 10 कितना होता है? 100 होता है। और माइनस माइनस होता प्लस है, पर चिन्ह किसका आता है? माइनस का। 10 + 10 कितना होता है? 20। सर हमें इंटू करने प्लस का 100 चाहिए था, तो सर हमारा इंटू करने प्लस का 100 आ गया। हमें माइनस करने 20 चाहिए था, तो सर हमारा माइनस करने 20 आ गया। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी आई सर हमारी? माइनस का 10 आया और माइनस का 10 आ गया। देखो माइनस 10 और माइनस 10, तो बीच की संख्या आपको चाहिए थी शुरू में से, कहा था गुणनखंड विधि क्या होती है, माइनस 10 और माइनस 10। तो माइनस 10 और माइनस 10 कितना होता है? माइनस का 20 होता है। इसी को गुणनखंड विधि कहा जाता है। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन आई? माइनस का 10 और माइनस 10। हम यहां लिख देंगे, कैसे लिखेंगे देखो, ये सभी होता है रब वर्ग में, ये आप यहां से भी यहां रब वर्ग में आप कर सकते हो। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, 100x², लास्ट कौन है? प्लस का 1, बराबर कौन है? 0। आपके पास दो संख्या कौन कौन आई है? माइनस का 10 और माइनस का 10। या चर राशि कौन है? x, तो x के साथ लिखोगे माइनस का 10 और माइनस का 10, माइनस का 10x और माइनस का 10x। अपन बीच की कौन कौन लिखा? माइनस 10x माइनस का 10x, ये सब रबर के लिए है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, शुरू के दो में से लोगे कॉमन, दो के और लास्ट के दो में से लोगे कॉमन। कॉमन यानी होता है ओवरनेशन, जो कम होता है वो कॉमन लिया जाता है। अब देखो सर, 100x की हाथ दो में माइनस 10x में कम कौन दिखाई दे रहा है? 100 कम होता है, 10 कम होता है। 100 और 10 में सर हमारी नजर में 10 कम होता है, कौन लिखा हमने 10 कम लिखा। सर यहाँ x की घात 2 है, यहाँ घात कुछ ना 1 मान लेते हैं। सर x की घात 2 वाला कम होता है कि x की घात 1 वाला कम होता है? सर x की घात 1 वाला कम होता है, तो कौन कॉमन ले लोगे आप? x कॉमन ले लोगे। अब आप क्या करोगे, 10x का भाग इसमें दोगे और 10x का भाग इसमें दोगे। जब आप 10x का 100x की घात 2 में दोते हो, तो 10 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आता है? 10 बार में आता है। और ये सिंगल एक्स या डबल एक्स है, सिंगल एक्स का डबल एक्स में भाग दोगे तो एक एक्स से एक एक्स क्या होगा? कैंसिल, कौन बचेगा? सिंगल एक्स, माइनस का माइनस। अब आप 10x का बाद 10x में दोगे तो 10x 10x पूरा क्या हो गया? कैंसिल, कौन बचेगा? एक, माइनस का माइनस। अब 10x प्लस 1 में देखना है कम कौन होता है। सर 10 कम होता है कि 1 कम होता है? सर हमारी नजर में 10 और 1 में कौन कम होता है? 1 कम होता है। अब माइनस 1 का भाग माइनस 10x में दोगे, माइनस 1 का भाग प्लस 1 में दोगे। माइनस 1 का भाग माइनस 10x में देते हो, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का भाग 10 में दोगे तो 1 के पार 10 कितनी बार में आता है? 10 बार में। x का x, माइनस 1 का प्लस 1 में भाग दोगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 1 के पार 1 कितनी बार में आता है? 1 बार में, बराबर कौन चल रहा है? 0। अब डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, हमेशा कोष्ठक दोनों सेम आएंगे तो ही आप सही होगे, वरना आप हमेशा क्या होगे? गलत होगे। ये दोनों कैसे आ गए? सेम आ गए। 10x - 1 10x - 1 कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लिखोगे आप? 1 बार। अब देखते हैं कोष्ठक के बाहर वाला, तो कोष्ठक के बाहर आपको कौन दिखा दे रहा है? 10x - 1, तो कौन लिख दोगे आप? 10x - 1, बराबर कौन चल रहा है आपके पास? 0 चल रहा है। आपको कौन ज्ञात करना था? मूल ज्ञात करना था। यहाँ चर राशि कौन दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है, तो x के मूल आपको ज्ञात करना है।
उससे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन की लाइन क्या है, 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल x के व्यमान हैं, x के व्यमान हैं जिनके लिए, x के व्यमान हैं जिनके लिए, जिनके लिए। तो आपको कौन कौन दिखा दे, किसके लिए कर रहा है, पर x के लिए कर रहा है। तो कौन कौन दिखा दे रहा है आपको, 10x माइनस 1 बराबर में 0। 10x माइनस का 1 बराबर कौन है, 0। इन्हीं के आपको x का मान निकालना है, क्योंकि अब आप क्या करोगे, पहले वाले के साथ 0 और दूसरे वाले के साथ 0। देखो कैसे करोगे, पहला दूसरा क्या है, मतलब देखो पहले कोष्ठक के बराबर कौन ले जाओगे, 0। पहला कोष्ठक कौन है, 10x माइनस 1 बराबर कौन लिख दोगे, 0। दूसरा कोष्ठक आपके पास क्या है, सेम वही का वही है, 10x माइनस 1 बराबर क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे। मान किसका निकालना है आपको, x का 10x बराबर का बराबर, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 1 किसमें है, माइनस में, किसमें आ जाएगा, प्लस में। 10x का 10x, 0 का कोई मतलब नहीं होता, 1 किसमें है, माइनस में, किसमें आ जाएगा, प्लस में। एक्स बराबर 1 का 1, बीच में किसी के चिन्ह किसका मानते हैं, गुणा का मानते हैं, तो पता है गुणा वाला 10 कहाँ जाएगा, बटे में यानी भाग में आ जाएगा। एक्स बराबर 1 का 1, पता है बीच में कुछ ना क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं, 10 गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में जाता है। आपके दो आंसर आ गए, 1/10 और 1/10, तो लास्ट में लाइन आउट आप लिख दोगे। अतः प्रश्न की लाइन सेम सेम देख के लिखो, वही 100x की घात 2 माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के दो मूल, के दो मूल। आंसर क्या क्या है आपके, 1/10 और 1/10, 1/10 और 1/10 हैं। इस प्रकार आपके दो आंसर आ चुके हैं। हाँ, उदाहरण नंबर पर और आ जाओ। उदाहरण कौन सा है, तीसरा वाला है। प्रश्न के दिखाई दे रहा है आपको, 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। देख के लिखते हैं, दिया है, कॉमा लगाओ, 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर आपके पास कौन है, 0 है। अब आप क्या करोगे, वही करो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, आप सभी को पता है, बीच की संख्या लाना पड़ता है। उस गुणनखंड विधि का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमेशा आगे का इंटू पीछे करते हो। 2 का इंटू किसमें करोगे आप, प्लस 3 में करोगे। 2 का इंटू किसमें करोगे, प्लस 3 में करोगे। 2 इंटू प्लस 3, तो 2 का इंटू प्लस 3 में करते कितना आता है, प्लस का 6 आता है। क्या करने पर आता है, इंटू करने पर। फिर देखते हैं बीच में संख्या, तो आपको बीच में संख्या कौन दिखा दे रहा है, ये माइनस का 5। आपको बीच में कौन दिखा दे रहा है, माइनस का 5, तो कौन लिख दोगे आप, माइनस का 5। अब आप करोगे क्या, आपको अब ऐसी दो संख्या चाहिए होती है सर, कि हमारा इंटू करने प्लस का 6 आ जाए, माइनस करने 5 आ जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटू करने प्लस का 6 कैसे आएगा, माइनस करने 5 कैसे आएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो बड़ी संख्या होती है उसके कर लो अभाज्य गुणनखंड। कौन है बड़ी संख्या, यहां पर 6 है, कर लो अभाज्य गुणनखंड। 2 से 6 कितनी बार में, 3 बार में। 3 से 3 एक बार में। अब जो 2 और 3 आए ना, 2 और 3 की हेल्प से हमारे पास इंटू करने प्लस का 6 आएगा, माइनस करने में कौन आएगा, 5 आएगा। 2 और 3, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे, कौन करना है आपको, इंटू करना है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि सर हमारा इंटू करने 6 तो आ जाएगा, 2 3 6 होता है, माइनस करने 5 कैसे आएगा। सर हमारा माइनस करने 5 कैसे आएगा, दोनों चिन्ह सेम हो या दोनों अलग हो या प्लस हो या माइनस हो, माइनस करने 5 कैसे आएगा। सर हम जानते हैं हमारा माइनस 5 करने पे कैसे आएगा, दोनों चिन्ह लेना पड़ेगा माइनस के, दोनों चिन्ह लेंगे माइनस का 5 आ जाएगा, लेंगे दोनों चिन्ह माइनस के। सर हमने दोनों चिन्ह माइनस के क्यों लिए, क्योंकि इंटू करने माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस। चिन्ह किसका आता है, माइनस का।
दो और तीन कितना हो जाता है, पांच हो जाता है। सर हमें इंटू करने प्लस का छह चाहिए था, इंटू करने प्लस का छह आ गया, माइनस करने पांच चाहिए था तो माइनस करने पांच आ गया, दोनों हमारे पास आ गए, इंटू करने प्लस का छह भी आ गया, माइनस करने पांच भी आ गया। सर दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी आई हैं, माइनस का दो आया, माइनस का तीन आया है, कौन कौन आया है, माइनस का दो और माइनस का तीन, तो हम बीच में लिख देंगे माइनस का दो माइनस का तीन। देखो माइनस दो माइनस तीन, तो माइनस दो माइनस तीन कितना होता है, माइनस का पांच होता है, गुणनखंड विधि इसी को कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, तो क्या करोगे आप, फर्स्ट और लास्ट के लिखोगे सेम, ये कौन है फर्स्ट, ये कौन है लास्ट, आपके पास चर राशि कौन है एक्स के साथ लिखोगे, दो संख्या कौन कौन आई, माइनस का दो और माइनस का तीन, किसके साथ एक्स के साथ, माइनस का दो एक्स और माइनस का तीन एक्स, शुरू के दो में से कॉमन, बाद के दो में से कॉमन, कॉमन में लेते हैं कम कॉमन हो या बराबर कॉमन हो, देखो दो एक्स ही याद दो माइनस का दो एक्स है, तो दोनों में इन दोनों सेम कौन दिखाई दे रहा है, आपको दो दिखाई दे रहा है, दो यहां भी और दो यहां भी है, कौन कॉमन ले लोगे, दो कॉमन ले लोगे, कॉमन कम ले लो या बराबर ले लो बात बराबर होती है, एक्स ही याद दो वाला काम होता है, एक्स याद एक वाला काम होता है, आप सभी को पता है एक्स याद एक वाला काम होता है, कौन कॉमन ले लोगे, एक्स कॉमन ले लोगे। अब आप 2x का भाग इसमें दोगे और 2x का भाग इसमें दोगे, जब आप 2x का भाग 2x की घात में देते हो, 2x का भाग 2x की घात 2 में देते हो, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, ये कितना x है सिंगल, ये कितना है डबल, तो एक x क्या होगा कैंसिल, कितना बचेगा सिंगल x, माइनस का माइनस। अब 2x का भाग 2x में दोगे, तो 2x का भाग 2x में देते हो, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, x से x भी कैंसिल हुआ, कौन बचा अपने पास एक बचा। अब माइनस का माइनस, तीन एक्स प्लस का तीन है, तो दोनों सेम कौन दिखाई दे रहा है आपको, तीन दिखाई दे रहा है, तो तीन के ले लोगे आप कॉमन ले लोगे, माइनस तीन का भाग इसमें दोगे, माइनस तीन का भाग इसमें दोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तीन का भाग तीन एक्स में दोगे, तीन से तीन क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा एक्स। अब माइनस तीन का प्लस तीन में दोगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तीन का भाग तीन में दोगे, तो तीन का तीन कितनी बार में आता है एक बार में, बराबर में कौन चल रहा है अपने पास जीरो, कोष्ठक वाले दोनों कैसे आ गए सेम, कितनी बार लिखोगे एक बार, एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक कितनी बार है दो बार, कितनी बार लिखोगे एक बार। अब देखते हैं कोष्ठक के बाहर वाला, तब कोष्ठक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है दो एक्स माइनस का तीन, कौन दिखाई दे रहा है दो एक्स माइनस का तीन, कौन लिख दोगे आप दो एक्स माइनस का तीन, बराबर कौन चल रहा है आपके पास जीरो, आपको कौन ज्ञात करना था मूल, किसके मान ज्ञात करोगे एक्स के मान, किस में ले जाओगे जीरो में, वही जो पहले लाइन लिखा है सेम टू सेम वही लाइन में आपको दोबारा से लिखवाता हूं। प्रश्न क्या था, दो एक्स की घात दो माइनस पांच एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, दो एक्स की घात दो माइनस पांच एक्स प्लस तीन बराबर जीरो के मूल, के मूल एक्स के वे मान है x के वे मान हैं जिनके लिए कौन दिखा दे रहा है आपको x माइनस एक दो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, x माइनस एक दो एक्स माइनस तीन बराबर आपके पास कौन है जीरो, पहले वाले के साथ जीरो दूसरे वाले के साथ जीरो, पहले आपके पास कौन है x माइनस एक बराबर कौन लिख लोगे आप जीरो, फिर आपके पास कौन है दो एक्स माइनस तीन बराबर कौन मान लोगे आप जीरो, x का कौन है x, जीरो का मतलब होता है क्या नहीं, एक इसमें है माइनस में, किस में आ जाएगा प्लस में, दो एक्स बराबर जीरो का मतलब होता है क्या नहीं, तीन किस में है माइनस में, किस में आ जाएगा प्लस में, ये सेम टू सेम लिख दो, x बराबर एक एक्स बराबर तीन, विश्व कृष्ण क्या मानते हैं गुणा मानते हैं, दो गुणा वाला कम पहुंच जाता है भाग में, आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, तो लास्ट में एक लाइन और आप लिख दो, अतः पृष्ठ की लाइन देख के दो एक्स की घात दो माइनस पांच एक्स प्लस तीन बराबर जीरो के दो मूल, के दो मूल कौन कौन से मूल है आपके पास एक और तीन बटे दो, एक और तीन बटे दो हैं, इस प्रकार आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।